मौसम में आजकल का जो मौसम है उसमें ईशा होती है या नहीं होती है, ईशा किस वक्त होती है, इसके ऊपर बड़ी मेहरबानी हमारी इस्लाह फरमा दीजिए। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, कि बेशक अल्लाह ने नमाज को मुमिनीन पे फ़र्ज फरमाई एक ख़ास वक्त के साथ, यानी हर नमाज के लिए एक ख़ास वक्त है। ये तो हम सब जानते हैं कि हर नमाज के लिए अल्लाह ने एक ख़ास वक्त को मुकर्रर फरमाया है। मिसाल के तौर पे फजर के लिए अल्लाह सुबहानहु व तआला ने सुबह सादिक से लेके तुलू शम्स तक का वक्त रखा है। अब इस वक्त के अलावा में अगर कोई वो नमाज अदा करे, तो अगर सुबह सादिक से पहले करे तो उसकी नमाज तो हुई नहीं। कोई आलिम दीन ये नहीं कह सकता कि उसकी नमाज हो गई, बल्कि जब तक वक्त दाखिल न हुआ उस वक्त तक उसकी नमाज हुई ही नहीं। हाँ, अगर वक्त गुजर गया उसके बाद में अगर उसने पढ़ी तो अगरचे अदा न हुई कज़ा उसको माना जाएगा। ये तो तमाम उलमाए किराम बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के नज़दीक मुत्तफ़क़ है। अब आप सोचें कि जुम्मा की नमाज के लिए वक्त मुकर्रर हुआ, जुमा का दिन है ना। अब कोई जुमा की नमाज को बुध के दिन पढ़े तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई शख्स वेनसडे को जुमा की नमाज पढ़े क्या कहेंगे? भाई मुझे छुट्टी मिलती है काम से बुध के दिन, जुमा के दिन मुझे छुट्टी नहीं मिलती, तो मैं बुध ही के दिन को मैं अपनी जुमा पढ़ लेता, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? कहेंगे कि ये आदमी की अक्ल ख़त्म हो चुकी है ना। क्योंकि जुम्मा के लिए जो अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया है उसी वक्त में वो जुम्मा पढ़ने की इजाज़त है। हत्ता के उलमा ने फरमाया कि अगर उसके अलावा में उससे पहले कोई पढ़ना चाहे तो उसका ये फ़ैल नाजायज़ और हराम होगा, यानी उसने एक नाजायज़ काम किया। समझ में आई बात? वो गुनहगार होगा जो आदमी बुध के दिन या जुमेरात के दिन या मंगल या पीर या सैटरडे संडे को जुम्मा की नमाज की नियत करके खड़ा हो, तो वो गुनाह कर रहा है, उसके नामे आमाल में गुनाह लिखा जा रहा है। इसी तरह मगरिब का वक्त है, सूरज गुरूब हो जाने के बाद। अगर सूरज गुरूब नहीं हुआ और आप खड़े हो गए मगरिब के लिए और शुरू कर ली नमाज, तो सिर्फ ये नहीं कि नमाज नहीं हुई, जान बूझ के किया तो गुनहगार भी हुए आप, क्योंकि अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर किया है उसके लिए उसके अलावा में आप पढ़ रहे हैं। तो ये बात पहले समझ लेनी चाहिए। जब ये बात आप सब लोग समझ लें तो आगे मैं आपको बताऊं कि ईशा की नमाज का मसला यह है कि बरतानिया में जब लोग हमारे लोग आए पहले, तो वक्त निकालने का तरीका तो किसी को मालूम न था उस वक्त। बस ये देखा कि हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में होता यह है कि मगरिब के एक घंटा 20 मिनट या डेढ़ घंटे के बाद ईशा की नमाज हो जाती है। और फिर बहारे शरीयत को उठाया, बहारे शरीयत में यह साफ लिखा है सदरु शरिया अलैहि रहमान ने कि ईशा की नमाज यहाँ, और ये यहाँ जो लिखा है ना वो लोग नहीं समझ पाते, लिखा है बहारे शरीयत में कि ईशा की नमाज यहाँ मगरिब के तकरीबन एक घंटा 20 मिनट या उससे कुछ ज्यादा के बाद हो जाती है ईशा की नमाज का वक्त। तो अब लोगों ने सोचा एक घंटा 20 मिनट बाहर शरीयत में भी लिखा है, तो तुलुए शम्स और गुरूबे शम्स ये दोनों वक्त तो मिल गए ऑब्जर्वेटरी से, फिर तुलुए शम्स से पहले एक घंटा 20 मिनट फजर का वक्त रख दिया और गुरूबे शम्स के बाद एक घंटा 20 मिनट ईशा का वक्त रख दिया गया। समझ में आई बात? समझ गए ना? इतना समझ में आया आप लोगों को? किसी को अभी नहीं समझ में आया तो बोले, सब समझ गए। तो अब ये लोगों ने तय कर लिया, लेकिन आला हजरत इमाम अहमद रजा रदी अल्लाह तआला ने तो ये साफ लिखा है कि यहाँ पे एक घंटा 20 मिनट बाद ईशा का वक्त होता है, लेकिन जितने मगरिब जानिब आप चले जाओ, द मोर वेस्ट
यू ट्रेवल, जितने मगरिबी जानिब आप जाओ वो बढ़ता जाएगा। तो अब हिंदुस्तान है, वहां आप यूपी में देखें तो 1 घंटा 20 मिनट बाद ईशा का वक्त होता है, और आप गुजरात चले आए जो मगरिबी जानिब है तो वहां 1 घंटा 35 मिनट, कभी 1 घंटा 30 मिनट, वो बदलता रहता है, यानी बढ़ता रहता है। और वेस्ट आ जाओ यूरोप की जानिब तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बात जाहिर है कि सूरज तो एक ही है, उसकी रफ्तार भी एक ही है, लेकिन सूरज की रफ्तार, सूरज की जो सैर होती है वो एक मुअय्यन जगह से होती है जो अल्लाह ने उसके लिए मुस्तकर फरमाया है ना। तो अब जो मुल्क खत्ते इस्तिवा, यानी जो बीच वाली लाइन है जमीन की खत्ते इस्तिवा, उसके करीब जो मुल्क होगा वहां सूरज करीब होगा, इसीलिए वहां गर्मी ज्यादा होती है, और यहां सूरज दूर होता है। द डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेस, फ्रॉम यूरोप, द डिस्टेंस टू द सन इज फर्दर देन द डिस्टेंस इन द मिडल ईस्ट एंड द सब कॉन्टिनेंट। ये जो मसाफत है सूरज से हमारी, वो ज्यादा है, हम ज्यादा दूर हैं, और वो ममालिक ज्यादा करीब हैं। तो जो ममालिक ज्यादा करीब है उनके लिए सूरज की मसाफत ज्यादा तेज मालूम होगी, और हमारे लिए मुख्तलिफ। इसीलिए तो आप देखें कि कभी कभी जोहर और असर के दरमियान बहुत मुख्तसर वक्त होता है यहां, और हिंदुस्तान उसी वक्त उसी दिन 5 या 6 घंटे का फर्क होता है। इसी तरह मगरिब और ईशा का मामला है, वहां 1.5 घंटा, यहां 2 घंटा का फर्क। आप सोचे एक हवाई जहाज एरोप्लेन अगर हमारे घरों के एकदम करीब सर से गुजरे तो एक लम्हा, एक पल में जो है वो गुजर जाएगा, है ना, क्योंकि इतना करीब है, हम देखेंगे उसको फौरन चले गया, है ना। लेकिन अगर ऊपर आसमान में गुजरे तो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, गुजर रहा है गुजर रहा है कि नहीं, क्योंकि डिस्टेंस जब उससे दूर होती है ना तो फर्क पड़ता है। इसी तरह हमारा मुल्क जो है यूरोप, सिर्फ यहां नहीं हॉलैंड में भी मामला यह है कि ईशा का वक्त 1.5 घंटे में नहीं हो जाता बल्कि 2 घंटे लगते हैं, और कभी कभी हाल ये होता है कि ईशा का वक्त आता ही नहीं। कैसे नहीं आता मैं आपको बताऊं कि सूरज जब डूबता है तो फलक द हराइजन, जहां सूरज डूबता है वहां रोशनी पैदा होती है, दैट इज नोन एज द हराइजन। अब वहां जो रोशनी जाहिर होती है, पहले आपको मालूम है कौन सी रोशनी हाजिर होती है, किसी को मालूम है? सूरज डूबता है तो व्हाट कलर डू यू सी? रेडनेस, सुर्खी नजर आती है, यू सी रेडनेस इन द हराइजन, क्योंकि सूरज करीब है तो सूरज की रोशनी की सुर्खी अभी तक जाहिर होती है, ठीक है। फिर जब सूरज नीचे जाता है और डूबता है तो फिर वो सुर्खी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, उसके बाद क्या जाहिर होता है मालूम है? उसके बाद वाइटनेस, सफेदी, सफेदी जाहिर होती है। वो सफेदी जाहिर होती है क्योंकि सूरज और दूर हो गया, और जब सूरज और ज्यादा दूर नीचे जाता है तब पूरा अंधेरा हो जाता है। समझ रही बात? जब पूरा अंधेरा हो जाता है उस वक्त इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि ईशा का वक्त है। समझ में आई बात? इदस्वद्दल उफुक, ये हदीस शरीफ के अल्फाज हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शफक डूब जाए तब ईशा का वक्त है। और किसी ने पूछा वमस शफक, और शफक क्या है? तो फतहुल कदीर में इमाम इब्ने हुमाम ने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदस्वद्दल उफुक, जबकि उफुक पूरा के पूरा सियाह हो जाए, व्हेन द हराइजन बिकम्स एब्सोल्युटली डार्क, दैट इज व्हेन द टाइम ऑफ ईशा बिगिंस। समझ में आई बात? अब ईशा का वक्त जब अंधेरा हो जाए तब होता है, लेकिन यहां मसला यह है कि कुछ रातें ऐसी है कि अंधेरा होता ही नहीं है, सूरज पूरा नीचे जाता ही नहीं है। द सन डज नॉट कंप्लीटली गो डाउन फ्रॉम द हराइजन। आप सोचे देखे, बॉल तो किसी के पास होगा नहीं। ये मसलन आप जमीन समझ लीजिए, इफ यू थिंक दैट दिस इज द अर्थ, ठीक है, एंड इसे खत्ते इस्तिवा द इक्वेटर, इफ यू बिलीव दिस इज द इक्वेटर, ठीक है, द सन ट्रेवल्स अराउंड द इक्वेटर, ठीक है, सूरज जो है खत्ते इस्तिवा के गिर्द फिरता है, और फिर उसका मैलान कभी नॉर्दर्न शिमाली जानिब होता है और यहां जुनूबी जानिब होता है, मीनिंग इट्स गोज राउंड, दिस इज द नॉर्मल ट्रेवलिंग ऑफ द सन, इट गोज राउंड द इक्वेटर एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग नॉर्थ
एंड साउथ, ठीक है, ऐसे घूमता है. यस, यू अंडरस्टैंड. तो अब जब पूरा ऐसे जाएगा, इफ इट गोज कंप्लीटली राउंड, तो हम देखेंगे कि ईस्ट से सूरज निकला और एकदम यहां वेस्ट में सूरज डूबा. दैट्स व्हाट वी विल सी. ठीक है, व्हेन द सन कम्स आउट फ्रॉम द ईस्ट इन देम डेज, उन दिनों में दिन और रात दोनों बराबर, द डे एंड नाइट दे विल बी इक्विवेलेंट टू ईच अदर. ठीक है, बट व्हेन द सन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, व्हाट हैपेंस इन द साउथ इज देर इज नो सन. छह महीने तक वहां सूरज नजर नहीं आता यहां नीचे, फिर सूरज जो है नीचे आना शुरू होता है. जब नीचे आ जाता है तो यहां सूरज नजर ही नहीं आता. अब हम लोग जो है नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, अब जब सूरज नीचे जाना शुरू होता है, उसकी उसका जब सफर नीचे होता है, उन दिनों में हमारी रात कम हो जाती है, और ऊपर चले जाए तो वहां रात ही नहीं आती है. व्हाट हैपेंस इज सूरज निकला, सूरज यहां से निकला, हम देखते रहे देखते रहे. इट डजंट ट्रेवल स्ट्रेट, द सन ट्रेवल्स इन अ राउंड मोशन. ठीक है, इन द लॉन्ग डेज व्हेन द सन इज हियर, जब सूरज होता है. तो अब मसला यह है कि सूरज है यहां और दिन पूरा लंबा हो गया, द डेज आर लॉन्ग. सूरज यहां घूमा, घूमता रहा, हमने देखा, और यहां आके नीचे चले गया. ठीक है, सो इट केम आउट हियर एंड इट्स गोइंग डाउन हियर rather than going down there. So when it goes down, the movement of the sun, it comes down and it comes back up like this. Samajh mein aaya? It doesn't go completely down. It comes back. Phir wapas upar aa jata. This is what happens. Samajh mein aa rahi baat? Suraj wapas doob ke wapas aa jata. Ab niche to jata hai, doob to gaya. Doob gaya yani maghrib ka waqt shuru ho gaya, hai na? Ab maghrib ka waqt shuru ho gaya, lekin phir कुछ दिनों तो डूबता है इतना कि पूरा अंधेरा हो जाए, तब जाके ईशा का वक्त होता है, जो बहुत देर बाद होता है, कभी कभी 11:30 बजे, 12:45 बजे, ऐसे ऐसे वक्त है. फिर उसके बाद वो दिन आते हैं जब ईशा का वक्त होता ही नहीं है, जब रात एकदम कम हो जाती है. सूरज डूबा 10 बजे और तुलुए शम्स हो गया 3:30-4 बजे. यह होता है ना यहाँ. तो सूरज डूबता नहीं और वापस आ जाता है, यानी मगरिब का वक्त हुआ, सूरज डूबा, the redness you can see on the horizon, horizon pe shafaq pe surkhi nazar aa rahi hai, wo surkhi ka matlab hai maghrib ka waqt hai, hadithon mein sabit hai, ulama farmate hain ki surkhi hai yani maghrib hai. Surkhi ghaib ho gayi, safedi aayi, ulama-e hanafiya imam abu hanifa farmate abhi tak maghrib ka waqt hai, safedi zahir hai, the whiteness is still there on the horizon, it is still the time of maghrib. Lekin phir kya hua, suraj tulu ho gaya. समझ में आई बात? सूरज तुलु हो गया, अब क्या किया जाए? तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं कि जिस पे हम लोग अपनी अक्ल दौड़ाएं, हम लोग सोचे कि अब इस पे ये किया जाए वो किया जाए, कोई नई बात नहीं. बल्कि आज से 600-700 साल पहले के उलमाए किराम, जैसे इमाम काजी खां, जिन्हें फकीहुन नफ्स कहा जाता है, हमारे उस्ताद गिरामी तो हमें कहते हैं कि जब इनका कोई कौल मिल जाए तो सब कुछ छोड़ दो, इसी को ले लो. ये ऐसे बड़े फकीह जिन्हें फकीहुन नफ्स कहा जाता, यानी इनके रग रग में जो खून दौड़ता था उसमें इल्मे फिक्र दौड़ता था. वो फकीहुन नफ्स फरमाते हैं कि कुछ जगह दुनिया में ऐसी है जहां ईशा का वक्त बहुत ताखीर से आता है, उन्हें चाहिए कि वो उसी वक्त में पढ़े. और कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां ईशा का वक्त आता ही नहीं, उन लोगों पे ईशा की नमाज फर्ज ही नहीं, यानी अदा फर्ज ही नहीं है, उन्हें चाहिए कि फज्र के वक्त में कजाए ईशा पढ़ ले. समझ में आई बात? अब सिर्फ इन्होंने नहीं लिखा, फतावा आलमगीरी में 100 उलमा की ये किताब है, 100 उलमाए किराम जब बैठे और उन्होंने ये किताब बनाई तो उसमें उन्होंने भी यही लिखा जो इमाम काजी खान ने लिखा, कि उन्हें चाहिए कि वो ईशा को मगरिब के वक्त में ना पढ़े बल्कि फजर के वक्त में पढ़ ले, क्योंकि पहले तो पढ़ी नहीं जा सकती, बाद में पढ़ी जा सकती है. इसी तरह आप देखें कि इमाम फतहुल कदीर, इमाम इब्ने हुमाम, जिन्होंने हिदायत की शरह लिखी, बहुत ही बड़े जलीलुल कद्र हनफी आलिम दीन, फरमाते हैं
कि उन ममालिक में रहने वाले लोगों को चाहिए कि उन दिनों में इशा की नमाज फजर के वक्त में पढ़ लिया करें। और क्या पढ़े? 4 रकात फर्ज पढ़े और उसके बाद 3 रकात वाजिब पढ़े, बस सिर्फ 4 और 3, क्योंकि कजा सुन्नत की तो होती नहीं है, है ना। ये उन्होंने फरमाया। और फरमाया कि इमाम बकाली और इमाम शमसुल आइम्मा अपने जमाने के सबसे बड़े हनफी फकीह, इन दोनों में इख्तिलाफ पैदा हुआ इस मसले में। आप सोचे, हमारे लोग सोचते हैं कि ये एक नया मसला है, आज के उलमा जो कहते हैं उसी पे अमल कर लिया जाए, ये फला बोल्टन के मौलाना फला मौलाना कह रहे हैं इनको मान लिया जाए। मैं कहता हूँ ये कई 100 साल पहले के उलमा इस पे गुफ्तगू करते थे, इख्तिलाफ करते थे। इमाम शमशुल आइम्मा ने जब इसके बारे में फरमाया, इमाम बकाली ने फरमाया, फरमाते हैं कि इमाम बकाली फरमाते थे, फतुल कदीर में ये लिखा है, फरमाते थे कि जिन लोगों का रहना सहना उन ममालिक में होता है जहां ईशा का वक्त नहीं आता, तो उन्हें चाहिए कि वो उनको उनके ऊपर ईशा की नमाज फर्ज ही नहीं हुई। क्यों? कि वक्त नमाज नमाज के लिए शर्त है। इदा फुकीद शर्त फुकीद अल मशरूत, जब शर्त ही नहीं पाई गई तो मशरूत कैसे पाया जाएगा? जब नमाज के लिए वक्त शर्त है, वक्त ही नहीं तो कैसी नमाज? ये इन्होंने फरमाया, इमाम शमसुल आइम्मा ने फरमाया कि नहीं, नमाज 5 वक्त की है, कुरान में 5 तो फरमाया नहीं गया लेकिन 5 वक्तों का बयान है, हदीस से साबित है 5 नमाजें फर्ज है, तो 5 नमाजें तो पढ़नी है हमें। इन्होंने कैसे कह दिया? तो इन्होंने अपने एक शागिर्द को भेजा इमाम बकाली की दरसगाह में कि जाके पूछो कि वुजू में कितने फराइज हैं, हाउ मेनी ऑब्लिगेटरी एक्ट्स इन अब्लूशन, वुजू में जाके पूछो। और अगर वो कहे कि 4 है तो उनसे कहो कि उस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो कहते हैं सिर्फ 3 फर्ज हैं वुजू में। तो अब आपके शागिर्द गए, जाके आपकी बारगाह में बैठे, सवाल की महफिल शुरू हुई, तो सवाल किया कि हजरत ये बताए कि नमाज वुजू में कितने फराइज हैं? फरमाया 4 फराइज हैं। तो कहा उस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो सिर्फ 3 फर्ज माने कि वुजू में सिर्फ 3 फर्ज हैं? फरमाया कि वो कुरान शरीफ के खिलाफ करता है, वो काफिर है वो आदमी। ये फरमाया, समझ में आई बात? क्योंकि 4 फर्ज कुरान में बयान किए गए, 3 ही फर्ज। फरमाया वो काफिर है। और फिर फरमाया कि लेकिन आप अपने मौलाना से जाके पूछे। सुभान अल्लाह, देखे इनकी बसीरत, जानते थे। कहते आप अपने मौलाना से जाके पूछे कि वुजू में तो 4 फर्ज है लेकिन जिस आदमी के पांव कटे हुए हैं उसके लिए वुजू में कितने फर्ज है, जाके पूछे मौलाना से। अब इन्होंने जाके इमाम शमशुल आइम्मा से कहा कि हजरत ने जवाब तो दिया लेकिन साथ में ये सवाल भी भेजा। तो इमाम शमशुल आइम्मा सुनने के बाद कहते हैं कि मेरा दिल रोशन हो गया, मेरी आंख खुल गई, मुझे समझ में आ गया कि वाकई उनकी बात सही है कि जब वक्त आया ही नहीं तो फिर कैसे उन पे फर्ज होगी ईशा। इसीलिए उलमा ने फरमाया कि ला यजिबु अलैहिम, उन दिनों में उन पे वाजिब नहीं। और ये अल्लाह की तरफ से आसानी है मुसलमानों के लिए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया यूरीदु बिकुमुल यूसर वला यूरीदु बिकुमुल उसर, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता, अल्लाह तो आसानी चाहता है। तो जब अल्लाह ने आपको इतनी छोटी रात अता फरमाई तो एक नमाज भी कम कर दी आपके लिए, समझ में आई बात? जब इतनी छोटी रात अता फरमाई तो नमाज कम करके ये इजाजत दे दी कि आप फजर के साथ में उसको मिलाकर पढ़ लें। और कोई ये एतराज नहीं कर सकता कि जमा बैनस सलातें ये आसानी है कि नहीं, 2 नमाजों को एक वक्त में पढ़ना ये आसानी है बिल इत्तेफाक तमाम अइम्मा के 2 नमाजों को एक वक्त में पढ़ने की इजाजत जो दी जाए तो ये बहुत बड़ी आसानी है। फजर के लिए तो उठना ही है, मगरिब के बाद खा पी के जो कुछ करना है आप सो जाए, फजर के लिए उठ जाए तो ईशा की फर्ज वितर और दो ये फजर की फर्ज पढ़ लें, काफी है। उलमा के कौल पे भी अमल हो गया, अल्लाह सुबहानु व ताला के हुक्म के खिलाफ वर्जी भी ना हुई और आसानी भी है। ये भी नहीं है कि सख्ती है दुश्वारी है।
समझ में आई ना बात? किसी को इस पे कोई एतराज है? भाई हम लोग तो जो हमारे उलमा ने कह दिया है उसी पे अमल करते हैं। लोग कहे कि नहीं मगरिब के वक्त में एक घंटा 20 मिनट बाद पढ़ लो, हम कहते हैं कि भाई चलिए जब वक्त ईशा आता है इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला के नजदीक 11:30 बजे मसलन या 12:45 बजे और आप पढ़ रहे हैं 11 बजे, 45 मिनट्स बाकी है और आप ईशा की नमाज पढ़ रहे हैं, अभी तक वक्त नहीं आया, किस तरह की अक्लमंदी है ये? कहते हैं कि बहुत दुश्वारी है इतनी देर बाद पढ़ना। भाई कुछ दिनों का मसला है, कुछ ही दिनों का मसला, कैसे दुश्वारी हो गई? समझ में आ रहे हैं ना आपको बात? तो आप लोगों को चाहिए, मैं तो जबरदस्ती नहीं कर सकता, हम लोग तो इसी पे अमल करते हैं, हमारे बुजुर्ग उलमा जब आते हैं वो भी इसी पे अमल करते हैं। हाँ कुछ यहाँ के लोग हैं जो अमल नहीं करते, यहाँ का हाल ये है कि उलमा आते हैं और जब इमामत शुरू करते हैं तो वो लोगों के मुक्तदी हो जाते हैं और मुक्तदी हजरात उनके इमाम हो जाते हैं, तो जैसे मुक्तदी हजरात कहते हैं वैसे वैसे करते हैं, जल्दी जल्दी नमाज पढ़वा लेते हैं तो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लेते हैं। ये लोग कहते हैं फला के लिए फातिहा की दुआ करो तो वो कर लेते हैं, फला का निकाह पढ़ाओ तो पढ़ा लेते हैं, ये हाल है। और कहते हैं कि ईशा की नमाज इतनी देर बाद हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कोई नहीं आएगा, पहले पढ़नी होगी तो पढ़ लेंगे, ये हाल है। तो मैं आप लोगों को अल्लाह का हुक्म सुना रहा हूँ कि अल्लाह ने एक मुकर्रर वक्त रखा है, इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला ने भी वो वक्त मुकर्रर किया है। ये ना सोचे कि आप माइनॉरिटी हैं, आप लोग कम हैं, बल्कि पूरी दुनिया में आप चले जाए सब लोग हमारे ही कौल पे अमल करते हैं, जो हम मानते हैं उसी पे अमल करते हैं। ये छोटा सा एक बरतानिया है जिसमें लोग गलत अमल कर रहे हैं, समझ में आई बात? जो ईशा का वक्त इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला से के वक्त आने से पहले ही पढ़ लेते हैं, समझ में आई ना बात? तो ये गलत है, जब हमारे इमाम ने एक कौल हमें दिया है तो उसी के मुताबिक पढ़ना चाहिए। और वो आदमी जो 1 घंटा 20 मिनट बाद पढ़ लेता है जबकि इमाम साहब के नजदीक वक्त आता है ताखिर से, वो ऐसे ही है जैसे जुम्मा की नमाज बुध के दिन पढ़ रहा हो, समझ में आई बात? क्योंकि अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर कर दिया है उससे पहले आप पढ़ रहे हैं। और ये शियों का मामला है कि शिया में कुछ ऐसे भी हैं जो सुबह खड़े होते हैं, अल्लाहु अकबर फजर की नमाज पढ़ी, सलाम फेरा अल्लाहु अकबर जहर की नमाज पढ़ी, सलाम फेरा असर मगरिब इशा सभी एक साथ पढ़ के सुबह को पूरी छुट्टी हो जाती है नमाज से, ये वही मामला हो जाएगा कि वक्त आने से पहले पढ़ते ही रहो, समझ में आई बात? दूसरा मसला फजर का है, क्योंकि जो ईशा का ईशा और सनसेट में जो फर्क है ना वही सनराइज और फजर में फर्क है। तो ईशा भी फजर भी जो है कुछ लोगों की बड़ी ताखीर से शुरू होती है, इट्स वेरी लेट। अब रोजा का मसला हो जाता है, क्योंकि रोजा 2 घंटा पहले बंद करना चाहिए था तो आप खा रहे हैं खूब जम कर और वहां तो नमाज हो रही है, जो लोग सही अमल करते हैं वो तो उस वक्त नमाज पढ़ रहे होते हैं और ये लोग अभी तक खा रहे हैं क्योंकि इनका टाइम टेबल बदला नहीं है। और हक तो ये है, हक ये है कि इन इंग्लैंड मेजॉरिटी ऑफ द मॉस्क्स हैव चेंज्ड द टाइम टेबल फॉर फजर, फजर का तो लोगों ने बदल दिया है, समझ में आई बात? I mean, I'm saying the difference between the Subah Sadiq and sunrise. Yes. What the timetables are at the moment is 1 hour and 20 minutes, 1 hour and 30 minutes difference. However, it should be about 2 hours in some days. Yeah, normally sometimes it's 15 minutes, 20 minutes, half an hour. But these days it's much longer. No. The beginning time of Fajr, all the way to sunrise. In the subcontinent, in India, Pakistan, it's about 1 hour 20 minutes. 1 hour and 20 minutes. समझ में आई बात? फजर की नमाज आप पढ़ सकते हैं सुबह सादिक से लेके तुलुए शम्स तक, इट्स 1 hour and 20 minutes. The norm for England is about 1 hour and 50 minutes. यहाँ का मामूली जो वक्त होता है 1 hour 40 minutes, 1 hour 50 minutes, 1 hour 2 hours तक जाता है, उससे भी बढ़ जाता है। अब मसला यह है कि हमारे प्रेस्टन में, फॉर एग्जाम्पल वेयर आई कम फ्रॉम, प्रेस्टन में तमाम मस्जिदों ने टाइम टेबल बदल दिया है, सबके सब की इफ्तारी हो जाती है आज अगर देखा जाए तो अबाउट 1:20
1:20 पे इफ्तारी खत्म, कोई आज रोजा रखना चाहे, हाँ रोजा रखना चाहे तो सहरी खत्म, सॉरी सहरी खत्म हो जाती है और फजर का वक्त शुरू हो जाता है। और एक मस्जिद है रजा मस्जिद के नाम से, और ये लोग अपना टाइम टेबल बदले थे लेकिन फिर वापस उन्होंने बदल दिया। और उसका क्या बहाना कि फला हजरत बुजुर्ग साहिब यहाँ आते थे, बहुत बड़े आलिम, वो भी तो इसी टाइम टेबल को फॉलो करते थे। ये जनाब अजीब मामला है भाई, उलमा को अगर उनकी नजरों के सामने कोई चीज न हो तो उनपे कोई गुनाह नहीं, वो उसी पे अमल करें। लेकिन जब उन्हें मालूम हो जाए तब की बात होती तो अलग होता, जब उन्हें बताया जाता कि हजरत ये मसला है तब वो कहते कि नहीं चलेगा, तब हम कहते कि नहीं ठीक, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कहा ही नहीं, तो उनका फैल जो है दलील नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने इस टाइम टेबल को इसलिए फॉलो किया कि आपने कहा था, और इसी वजह से तो अगर कोई आदमी चले जाए किसी मुसलमान के यहाँ और सूअर का गोश्त भी खिला दे और कहे कि यह हलाल है, गाय का गोश्त है खाइए, और कोई आलिम दीन खा ले तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। ये तो ऐसे ही है, समझ में आई ना बात, उस पर कोई एतराज ना होगा, उसके तकवे पे भी कोई आँच ना लगेगी। तो ऐसे जैसे लोग बताएंगे वैसे लोग अमल करेंगे, तो ये तो कोई दलील नहीं हुई। अब होता यह है कि हम लोग तो खाना खा पी कर हम लोग सहरी बंद कर लेते हैं, खाना बंद कर लेते हैं, फजर का वक्त शुरू हो जाता है, और ये लोग अभी 1 घंटा और खा पीते हैं। और जितने भी उलमा से पूछा जाए कोई ये कहेगा नहीं कि इनका रोजा हो जाएगा, बल्कि ये जो दीन का सुतून है रोजा रखना, पूरा इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। पूरे रमजान एक भी रोजा सही नहीं। और एक मौलाना यूनुस मिसबाही है जो प्रेस्टन में नूर मस्जिद में है, उन्होंने अभी अभी अपने बयान में साफ कहा, क्योंकि ये भी मौलाना भी आसानी को तलाशते हैं, जो लोगों के लिए आसानी मिलती है उस पर अमल करते हैं, हुक्म नाफिज कर देते हैं। उन्होंने साफ बरमला ऐलान किया अभी अभी 2 हफ्ते पहले शायद, कि मैंने भरपूर कोशिश की कि ये सहरी का वक्त के लिए कुछ किया जाए, फजर के वक्त के लिए कोई आसानी तलाशी जाए, 1 घंटा बढ़ा दिया जाए। तो मैंने तलाश तलाश करके पूरे हिंद और सिंध, पूरी दुनिया में इस्तीफे भेज भेज कर फैसला ये किया है कि कोई इजाजत नहीं देता। आप सब लोगों से मैं कसम लेना चाहता हूं कि 1:15 ही पे आप लोग खत्म कर देंगे। ये उन्होंने साफ कहा। तो आप सोचे कि अपने रोजों को बर्बाद मत करो, रोजे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि चलो ईशा का मामला तो कभी उस हद तक आ जाता है कि ईशा होती ही नहीं है, ठीक है, ईशा होती ही नहीं है, तो ईशा होती ही नहीं है तो चलो उस वक्त ईशा की कजा पढ़ ले तो अच्छा है, बेहतर है, पढ़नी चाहिए। आला हजरत इमाम अहमद रजा रजी अल्लाह तआला को मानने वाले अगर हम लोग हैं, हम लोग चाहे दावत इस्लामी से ताल्लुक रखते हो या किसी भी तहरीक से, अगर मसलक के आला हजरत का दावा है तो क्यों नहीं आंखें बंद करके आला हजरत के कौल पे अमल कर ले। आला हजरत ने साफ फरमाया, अब जितने मौलवी आज है कहते हैं 1:20 पढ़ लो के बाद पढ़ लो, उलमा ने इजाजत दी है, खाक इजाजत दी है। इमाम अहमद रजा रदी अल्लाह तआला ने जब इरशाद फरमाया है साफ कि उन ममालिक में उन लोगों को चाहिए कि फजर के वक्त में ईशा की कजा पढ़ लिया करे फजर के साथ, तो अब बताइए आला हजरत के अलावा आपको किसी और कौल की जरूरत है? और आला हजरत के जो खलीफा आजम समझ लीजिए, वकील फिल बया सदरु शरिया अल्लामा अमजद अली खां बहार शरीयत, जिन्होंने लिखी, जिन्होंने ये लिखा कि हमारे यहाँ 1:20 बाद हो जाती है ईशा, वहां उन्होंने ये भी लिखा है कि बाज ममालिक ऐसे हैं जहां ईशा का वक्त नहीं होता, उन्हें चाहिए कि वो उन दिनों में फजर के वक्त में कजा पढ़ लिया करें। अब देखिए बहार शरीयत ने भी ये कह दिया, आला हजरत ने भी ये कह दिया, तो अब क्या जरूरत है आप लोगों को कि फला आलिम कह रहा है, फला आलिम कर रहा है, फला आलिम खुद कर रहा है, ये सब की क्या जरूरत है? अगर ईमान है, सच्चा ईमान है, तो जाए भाड़ में सब, हम लोग तो अल्लाह ही के हुक्म पे अमल करेंगे, हमारे इमाम अहमद रजा के मसलक पे अमल करेंगे। हमारे बुजुर्ग जब हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर मुहद्दिस कबीर और जो उलमाए हक्का है वो आते हैं तो इसी पे अमल करते हैं, हमने खुद देखा। तो अल्लाह सुबहानु व ताला आप सब लोगों को हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी को कोई सवाल, एतराज, कोई बात न समझ में आई हो तो करे।
कोई अगर ये भी सोच रहा हो कि मैं अभी तक इस पे अमल नहीं कर सकता तो वो भी बताए ताकि मैं आपको समझाऊं। हमारा काम तो समझाना है, जबरदस्ती तो हम करेंगे नहीं। आप लोग फिर घर पे चले जाए जैसे चाहे नमाज पढ़े, हमें कोई एतराज हम पे नहीं होगा, हमने तो पहुंचा दिया।